नमः सििभ्य ओ नमः सिद्धि

विरोधिमथिनं नमाम्यनीकान्तम् उडुमोरहन्ताडम् उडुमो सिद्धाडम् उडमुयाडम् अनंतानंद परम सिद्ध भगवंतों की आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की मूल नायक एक सौ एक हजार आठ श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंथु सागर जी मणि महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवार विशुद्ध सागर जी मणि महाराज की श्रुत शंभेगी शमण मणि श्री आदित्य सागर जी मणि महाराज की तीन कम नौ करोड़ महामणिराजों की बंधु आज पुनः हम सभी का सौभाग्य जागृत हुआ है कि श्री जिन देश सुनने के भाव उद्भूत हुए वस्तु व्यवस्था प्रथम भाई बिल्कुल व्यवस्थित है और वही जीव इस वस्तु व्यवस्था को समझकर व्यवस्थित जीवन जी सकता है जो समझ पाएगा कारण कार्य व्यवस्था को पुनः अपना सूत्र धोरा लेते हैं कि बिना कारण की कोई कार्य नहीं होता और कार्य हुआ है तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा और एक और सूत्र कारण को कारण समझो कार्य तेरे कारण ही हो रहा है आज थोड़ा विषय भिन्न है हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए फिर भी समझने का प्रयास करिएगा जो कि वास्तविक हमारी आत्मा की ही बात है उसे समझने का प्रयास करना है छोटा सा दृष्टांत समझते हुए अपन उस बात पर पहुंचेंगे आचार्य भगवंतों ने छह द्रव्यों की व्याख्या की है सभी को समझ में नहीं आते वो द्रव्य हैं पर दिखाई नहीं देते दिखाने वाला दिखने वाला केवल एक ही द्रव्य है कौन कौन दिखता है जीव दिखता है मिथ्या मान्यता है जीव नहीं दिखता अब सुनना दिखने वाला केवल एक ही है वो कौन है पुद्गल द्रव्य है और संसार में भ्रमण की जो संतति चल रही है सौगानी जी इस सबको समझना है त्रिलोक चंद नाम की व्यक्ति हुए उनकी छह संतानें हुई दृष्टांत को दृष्टांत ही समझना एक त्रिलोक चंद नाम की व्यक्ति हुए उनकी छह संतानें हुई पहली संतान धर्मचंद हुए दूसरी संतान अधर्मचंद हुए तीसरी संतान गगन चंद हुए चौतीस संतान रूप चंद हुए पांचवी संतान कालचंद हुए और छठवी संतान ज्ञान चंद हुए तो उनके पिताजी ने कह दिया कि भैया अपने अपने स्वभाव में रहना तो बची रहोगे सभी पुत्रों को एक सी शिक्षा दी गई सुनना अर्पित सभी शिष्यों को सभी पुत्रों को एक सी शिक्षा दी गई कि भैया अपने अपने स्वभाव में रहना तो बचे रहोगे तो चार पुत्रों ने तो बात मान ली कौन कौन ने धर्मचंद ने अधर्मचंद ने और कालचंद ने आकाशचंद ने गगनचंद ने बात मान ली वे एक दूसरे को बिल्कुल भी एक दूसरे से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते थे तो धर्म धर्व का, धर्म का धर्मचंद का काम क्या था जब भी कोई व्यक्ति उसके पास आता था या उससे कहता था कि मुझे चलना है तो चलने में वो सहकारी हो जाता था जैसे गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी सहारा देती है चलने के लिए तो चले जाते हो आप है ना तो सहारा देने के लिए वो काम करता था बस दूसरा धर्मचंद था जो क्या करता था जब आपको ठहरने की या रोकने की आवश्यकता होती थी वो तो रोकने के लिए कह देता कि हां रुक जाओ पकड़ लेता था कि रुक जाओ तीसरा गगनचंद था तो वो क्या करता था कि आपको रहने के लिए स्थान दे देता था लेकिन आप में मिलता नहीं था चौथा हुआ कालचंद वो क्या था वो बताता था कि तुम्हारी आयु कितनी हो गई है अभी कौन सा काल चल रहा है अभी कौन सा महीना है कौन सा वर्ष है ये सब उसके हाथ में था लेकिन एक दूसरे को उसने कभी टोका नहीं ठोका नहीं तो चारों आनंद में रहते थे आज तक आनंद में ही है अब दो संतानें और बची उन्होंने बात नहीं मानी कौन एक ज्ञानचंद, एक रूपचंद और जो बात मान लेते हैं विज्ञान चंद ही बचते हैं तो रूपचंद ने बात नहीं मानी तो आज देखो कई रूप बदल रहा है रूपचंद कभी काला होता है कभी नीला होता है कभी पीला होता है होता कि नहीं आप नीलांबर हो पीछे से तांबर हैं आगे भी सितांबर हैं सब अलग अलग रूप को धारण किए हुए हैं किसी का कलर कृष्ण जी का कलर कौन सा था श्याम वर्ण था मुनिषुब्रतनाथ का वर्ण कौन सा है श्याम वर्ण था ये सब किसके कारण मिला केवल रूप चंद के कारण ये समस्या हुई है और ज्ञान चंद ने अपनी बुद्धि लगाई तो उसको वापस से उन रूपों को प्राप्त करना पड़ा संसार में भ्रमण क्यों हुआ केवल रूप चंद के कारण यदि वो स्वभाव में रहता कौन ज्ञान का स्वभाव था क्या जानना देखना जो ज्ञान दर्शन ज्ञान चंद का काम था वो काम यदि करता रहता तो उसको कभी रूपचंद की प्राप्ति नहीं होती व्यक्ति समझ ही नहीं पाता देखो तो कारण क्या बना वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़े इसलिए आनंद में जी रहे थे और जिनने अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव में अपनी बुद्धि लगाई है वे संसार में रहते हैं अब विषय इतना है आचार्य भगवान कुंतु सागर जी महाराज क्या कह रहे हैं भाव तय फल प्रदर्शी ग्रंथ में शुद्ध आत्मा की अनुभूति किसको होती है उसका स्वामी कौन बनता है उसके लिए कह रहे हैं स्वान चतुष्ट मुने प्रशंसा कृता क्षमा निज तत्व चर्चा शिव प्रदायी निजात्म शुद्धि भूते सपति प्रिया जो जीव अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप में संतुष्ट रहने वाले मुनियों की प्रशंसा किया करता है जो उत्तम क्षमा आदि धर्मों को प्राप्त कराने वाली अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप की चर्चा किया करता है जो मोक्ष देने वाली अपने आत्मा की शुद्धि का किया करता है ऐसा पुरुष अपने शुद्ध आत्मा की अनुभूति का प्रिय पति होता है अब हम चर्चाएं किसकी करते हैं बोलो प्रशंसा किसकी करते हैं विषय यही है कि हमने आज तक प्रशंसा किसकी की है आप किसको देखते हैं मुनियों को देखते हैं कि मुनियों के शरीर को देखते हो बोलो मां मोटे महाराज अच्छे लगते हैं कि पतले कि मजले महाराज अच्छे लगते हैं बताओ कौन से महाराज अच्छे लगते हैं जो मोटे हो अच्छे दमदार हो क्यों सोगानी जी चंदू भैया कौन से महाराज अच्छे लगते हैं मोटे सभी अच्छे हैं तीन बस तीन अच्छे लगते हैं और कोई अच्छा नहीं है हाँ तीनों अच्छे लगते हैं तो सुनो माना कि किस कोई पूछे आपसे कि आपने किसको पसंद किया है किसकी प्रशंसा की है आपने यदि व्यक्ति आपसे मिलता है तो यदि प्रशंसा करे कि वो चश्मा लगाकर जब कोई व्यक्ति बैठता है दिलीप सोहन दिलीप भैया लोहाड़िया जी आप माना कि मुनि बन गए माना कि बने नहीं हो माना कि मुनि बन गए और बैठे हो हमारे बाजू में तो लोग बोलेंगे कि यार ये चश्मा लगाकर मुनि इतना सुंदर लग रहा है ये मुनि बहुत अच्छे हैं तो इसमें प्रशंसा किसकी हुई है बताओ प्रशंसा किसकी की गई बात तीसरी है यदि व्यक्ति आपको चश्मे से पसंद कर रहा है चश्मे की प्रशंसा कर रहा है तो उसने मुनि की प्रशंसा नहीं की है प्रशंसा किसकी की है चश्मा लगाए हुए मुनि की प्रशंसा की है उसमें मुनि की प्रशंसा नहीं हुई यदि चश्मा लगाए कोई मुनि ना हो तो क्या उसकी प्रशंसा नहीं होगी प्रशंसा किसकी कर रहे हो आपने भी मुनि धर्म को समझा ही नहीं है आचार्य भगवंतों ने देशना दी है जो जीव निर्गंत पद को धारण करता है और निरंतर ही उसका मन केवल आत्म द्रव्य की अनुभूति में ही रमण करता है वे ही सच्चे मुनि है अपा अपम्मी रहो ये सूत्र आचार्य भगवंतों ने दिया है जो आत्मा से आत्मा में रमण करते हैं वे ही सच्चे मुनि होते हैं और जो आत्मा की चर्चा करते हैं व्यर्थ की चर्चाओं में नहीं दिन रहते वे सच्चे मुनि होते हैं उनकी प्रशंसा करोगी तो आत्मा की अनुभूति आपको भी हो जाएगी एक जीव बारह वर्ष हो गए सुनो ध्यान से सुनना एक जीव को बारह वर्ष हो गए साधना करते करते लेकिन तीन लोहर जी नमोकार याद है कि नहीं याद है सुना सकते हो बोलो सुना हो ना कोई बात नहीं अच्छे अच्छे भूल जाते हैं सभाओं में ठीक है सुनो बैठ जाओ आपको तो याद भी है एक निर्गन तपोधन बन गए बारह वर्ष तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ कितने वर्ष तक बारह वर्ष तक नमोकार मंत्र याद ही नहीं हुआ पुने पुने अपने गुरु चरणों में जाते थे कहते थे कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो याद तो हो कुछ बारह वर्ष व्यतीत हो गए फिर एक बार और निवेदन किया कि भगवान नमोकार मंत्र तो याद नहीं हो रहा कुछ छोटा सा सूत्र दे दो मैं उसे याद करके अपना कल्याण कर लूंगा और आचार्य भगवंत ने एक और छोटा सा सूत्र दे दिया कि भैया तुस मास भिन्नम इसका पाठ करो तो जल्दी से मुक्ति मिल जाएगी और कह दिया इसका अर्थ ये है कि तुस अलग होता है मास अलग होता है दाल और छिलका अलग अलग होते हैं इसका चिंतन करना निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी बस क्या हुआ गुरु चरणों में पुनः नमस्कार किया और निकल रहे थे आंगे थोड़ी दूर पहुंचे नहीं की जो याद किया था वो भी भूल गए क्या कहा था गुरुदेव ने और सोचो उस जीव को अनुमति कैसे होगी आत्मा की लेकिन जरूरी नहीं है कि आप आगम को पढ़ करके आत्मा की अनुभूति करो अंदर की अनुभूति क्षण मात्र में हो जाती है देखो कैसे होती है निकले हैं रास्ते में एक दिन आहार चर्या के लिए जा रहे थे रास्ते में कुएं के पास में एक माँ दाल को अलग कर रही थी छिलके को अलग कर रही थी और वो चित्र जैसे ही देखा स्मरण में आ गया कि गुरुदेव ने कहा था कि दाल अलग होती है और छिलका अलग होता है मुद्रा छोड़ दी और बैठ गए पहाड़ के सामने वहां चिंतन करना प्रारंभ किया गुरुदेव का चिंतन करते करते क्या हुआ विशुद्धि इतनी बड़ी कि वो दाल और छिलका का चिंतन करते करते आत्मा और कर्म हमारे आत्मा से बिल्कुल पृथक होते हैं पृथक होते हैं पृथक होते हैं इतनी विशुद्धि बढ़ी इतनी विशुद्धि बढ़ी कि अंतर्मुहत में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई लेकिन ये अनुभूतियां किसको होंगी बात तीसरी है पूर्व में उस जीव ने दिगंबर मुनियों की प्रशंसा की होगी जो शुद्ध आत्मा में रमण करते हैं उनकी प्रशंसा की होगी उनकी चर्चा की होगी इस कारण से उसे वो अनुभूति प्राप्त हुई और केवल ज्ञान जैसा पद प्राप्त हो गया समझ गए कि नहीं इसलिए प्रशंसा करो किसकी तो नहीं तो सौगानी जी तो मंदिर में किसी ने दान दे दिया अरे आइए तेरे लोहड़िया जी स्वागत है आपका प्रसंस नहीं है पैसे की प्रशंसा नहीं होती अर्पित भाई इतना ध्यान रखना जब भी किसी की प्रशंसा करना हो झूठी प्रशंसा मत करना प्रशंसा कैसी करना स्वभाव जिसका जैसा होता है उसकी प्रशंसा वैसी करोगे तो वो उस स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा प्रशंसा करना है वास्तविक हम क्या करते हैं क्या करते हैं माना कि आपकी देवी ने कह दिया आपसे कि भाई आज हम ये साड़ी पहनने जा रहे हैं तो आप बता दिया करो अच्छी है कि बुरी है लोग उल्टा ही कहते हैं यदि आपने कह दिया अच्छी है तो देवी क्या कहेगी आप बताते ही नहीं हो और कभी बुरा कह दिया तो बोला कुछ अच्छा लगता ही नहीं है हमारे ऊपर ऐसा होता है तो कई बार झूठी प्रशंसा भी करना पड़ती है करते कि नहीं कर देते हो ना लेकिन व्यक्ति को सत्य से जोड़ोगे तो निश्चित रूप से सत्य बचा रहेगा ध्यान रखना कभी झूठी प्रशंसा नहीं करना किसी की भी नहीं साधो भगवान की भी नहीं प्रशंसा करो प्रशंसरी बनने के लिए सम्यक भाई सुन रहे हो मार्ग की प्रशंसा करो कुमार्ग की प्रशंसा मत करो जो मार्ग पर आप जी रहे हो वो मार्ग प्रशंसनीय नहीं है जिस मार्ग में जाने का विचार चल रहा है वो मार्ग प्रशंसनीय नहीं है क्यों प्रशंसनीय कौन है विश्वासा तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सा प्रशस्त आचार्य भगवंत समंत स्वामी ने कहा है विषय आसान से जो रहित हैं निरारंभ हैं अपरिग्रही हैं ज्ञान और ध्यान में जो लीन रहते हैं ऐसे मुनि भगवंत ही प्रशंसनीय होते हैं तो प्रशंसा किसकी करना है बात इतनी सी है हम घर में बैठे लीड्स में बैठे हो भाई अर्पित और किसी ने बढ़िया दो करोड़ की कार खरीद ली तुम जाकर के किसकी प्रशंसा कर रहे हो वाह यार क्या आनंद आ गया तुम्हारी कार देख के, लगता है मुझे भी खरीदना चाहिए ये बिचार आने गए तो क्या होगा अनुभूति किसकी होगी बात इतनी सी है अनुभूति किसकी की कार की किसकी अनुभूति की दिलीप भैया कार की अनुभूति की जो बेकार करती है जीवन उस कार की अनुभूति क्या करना है किसी ने अच्छा महल बना लिया पांच छह मंजिल का और जैसे ही घुसे देखा अरे वाह बहुत अच्छा महल है और इंटीजर देख कर के अरे मैं भी ऐसा बनवाऊंगा ये विचार आ गया प्रशंसा करने लग गए हाँ यार बहुत अच्छा है आज तक देखा ही नहीं ऐसा तो, तो किसकी प्रशंसा की है आपने किसकी जिसमें आप हो ही नहीं जिसमें आप हो ही नहीं प्रशंसा किसकी करना है दूसरों की प्रशंसा अब छोड़ना पड़ेगी दूसरों की प्रशंसा छोड़ो सम्यक भाई न की प्रशंसा करो प्रशंसा किसकी करना जो दिगंबर मुनि की प्रशंसा करते हैं वे ही प्रशंसनीय बनते हैं बनना है प्रशंसनी चंदू भैया क्या हो गया सो गए क्या हाँ अब नहीं सोना है जागने का समय आ गया है अब तो क्या पता कब चिड़िया उड़ जाए हमारा भी समय हो गया जाने का कल देशना यहाँ हो ना हो पता ही नहीं है होगी क्या कल यहाँ नहीं रहेंगे क्यों जाने का समय आ गया है और तुम्हारा आने का समय आ गया है कहां पर अरे आत्मा की अनुभूति में आने का समय आ गया है अब जाने का समय आ गया है कहां से घर से जाने का समय आ गया है और अपने आत्मा में आने का समय आ गया है उसका विचार कर लो अब समय फिर हो गया आपका देख लो बहुत जल्दी बीत जाता है समय नहीं बीतता? एक छोटी सी कथा और कहते हैं आपको समझ में आएगा आनंद आएगा एक स्त्रोत लिखा है शुभचंद्र स्वामी ने मंदालसा स्त्रोत्र उसकी कहानी सुनाते हैं कैसे अपने संतान को दिगंबर मुनि बनाना है एक मां की सात संतानें हुई कितनी सात संतानें हुई हैं देखो वही जीव ऐसा कर पाएगा जो प्रशंसनीय होगा बात इतनी सी है प्रशंसा करना है किसकी मुनियों की तो उन प्रशंसा किसकी की अब देखना एक छोटा सा काव्य लिखा है दस लोक प्रमाण उसमें कार्यकें हैं पहला स्त्रोत में पढ़ता हूं उसके बाद देखना आपको कैसा लगेगा जब पढ़ने से ऐसा लग रहा है तो जो अंदर गर्भ में बैठी संतान है उस सुन रही होगी उसे कैसा लगेगा सिद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसार माया सी शरीर भिन्न त्यज सर्व चेष्टा मंदा लसाबा कि घर में बैठे बच्ची के लिए मां संबोधित कर रही है बेटा सिद्ध हो सी तू सिद्ध है तेरी आत्मा सिद्ध के समान है तुझमें आठ कर्म नहीं है जो कर्म हैं वो तेरी आत्मा से बिल्कुल पृथक हैं उन्हें अपना कभी स्वीकारना मत सिद्धौसी तू तो सिद्ध के समान है निराकार है निरंजनो सी तू तो सी बुद्ध है अनंत चतुष्ट तेरे अंदर विराजमान है ऐसा वो बार बार उसको चिंतन दे रही है बुद्धौ सी सी किसी प्रकार का अंजन तेरे आत्मा में नहीं है और संसार की माया को छोड़ करके तू अपनी आत्मा में रमण कर शरीर भिन्न त्यज सर्व चेष्टा क्या लिखा शरीर भिन्नम शरीर भिन्न है और आत्मा की चेष्टा अलग अलग है उसे तू अनुभूत कर मंदा लसा अपने पत्र से कह रही है बार बार ऐसा चिंतन उसने कब तक किया गर्भ की नौ माह तक उसने बार बार यही स्त्रोत उसको पढ़ाया सुनाया हुआ क्या शुरुआत की छह संतानें उसकी दिगंबर मुनि हुई जब राजा को विकल्प आ गया कि रानी छह पुत्र आपके संतान मुनि हो जाएंगे तो आने वाली जो संतान होगी हमारी संतति होगी वो कौन चलाएगा बोले रुको राजन अबकी बार जो संतान होगी वो राज का संचालन करेगी उस समय माने ने ये स्रोत उसको नहीं सुनाया किसी प्रकार की प्रशंसा नहीं की किसी मुनि के बारे में विचार नहीं किया क्या किया वो जाती थी कहाँ पर जहां पर युद्ध के लिए तलवार रखी हैं भाले रखे हुए हैं धनुष रखा हुआ है बाण रखा हुआ है वहां पर वो निरंतर वही काम किया करती थी उसी के बारे में चिंतन करती थी उसी के शास्त्र पढ़ती थी कि जैसे बच्चा जो आएगा वो राज का संचालन करेगा हुआ क्या संतान उत्पन्न हुई उसके स्वभाव में वैसा ही परिवर्तन आ गया भविष्य में उसी ने राज का संचालन भी किया तो कहने का मतलब इतना सा है कि जैसी भावनाएं आप अपनी साथ में रहने वालों को दोगे वैसी भावनाएं आपके अंदर प्रकट होंगी कारण कार्य व्यवस्था समझ लो कारण क्या था संतान को अच्छे संस्कार दिए प्रशंसा की दिगंबर मुनियों की चर्चा भी उन्हीं की सुनाई तो हुआ क्या भविष्य में होने वाली संतान आप उनकी मुनि बनी और उसी संतान को विपरीत कारण इकट्ठे कर दिए तो कार्य क्या निकला राज्य का संचालन करने वाला पुत्र बना अब आप चाहते हैं कि आपके घर में भी दिगंबर मुनियों जैसी संतान हो तो संस्कार आज से देना प्रारंभ करो फिर बाद में नहीं कहना कि महाराज जी हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं क्योंकि कारण आप भी बनते हो बिगाड़ने के इसलिए अर्वेद भाई जब भी कुछ ऐसा हो तो निरंतर पूजा अभिषेक आराधना करना दिगंबर मुनियों के चरणों में जाकर के उनकी सेवा करना उनको आहार दान देना उनकी प्रशंसा करना शास्त्रों का श्रवण करना और श्रवण कराना भी जिससे देखना भविष्य में आपके घर में भी दिगंबर मुनि संतान भी उत्पत्त होगी विचार कर लेना क्या करना है समय आपका हो गया हो गया समय आज जल्दी चालू हो गया था ठीक है विचार करना है आपको आप सभी अपनी शुद्ध उपयोग की अनुभूति शुभ उपयोग की अनुभूति और अशुद्ध उपयोग की अनुभूति मत लो किसकी अनुभूति लेना है शुभ उपयोग की नहीं अभी तो वर्तमान में केवल आप शुभ उपयोग की अनुभूति ले सकते हो लेकिन उपयोग कौन सा शुभ उपयोग होना चाहिए शुद्ध की अनुभूति चाहिए है तो ऐसा बनना पड़ेगा जैसे अब भी हम हैं कौन चाहता है कि हमें शुद्ध की अनुभूति हो चाहते सब हैं लेकिन अभी तो केवल भावना रूप वैसा हो सकता है कैसे दिगंबर मुनियों के स्वरूप को पढ़ना प्रारंभ करो करो प्रारंभ कि वो कैसे जीवन जीते हैं आज सुबह का दृश्य बहुत ही देखो आप लोग कह रहे हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हो क्या आपको यदि भोजन खिलाया जाए ऐसे हजारों लोगों के बीच में तो खा सकते क्या पीछे से आवाज आ रही थी चारों तरफ से लोग बोल रहे थे फिर भी दिगंबर मुनि के चेहरे पर मुस्कान ही तो थी उन्होंने डांटा तो नहीं गुस्सा तो नहीं किया यदि ऐसा जीवन जीना प्रारंभ कर दिया तो जल्दी से मोक्ष मिल जाएगा उस समय अनुभूति कर रहे थे हम आपको अब बताते हैं कि सुबह जो अनुभूति हुई है वो आज तक नहीं हुई आहार के समय जो अनुभूति हमने आज की है कैसी बताओ एक दिन के लिए हम ऐसे भोजन करने आए हैं तो नाना प्रकार के विकल्प लोगों को होते हैं ये लोग रोज ही ऐसे रहते हैं, तो कैसे जीते होंगे इसलिए वहां हम चिंतन कर रहे थे कि भाई अब ये जो भोजन है ये भी छूट जाए तो इस किलकिल में नहीं आना पड़ेगा विचार वही चल रहा था कि इस छोटे से छुदा रोग के कारण दूसरे के आश्रय होना पड़ता है सामने हाथ फैलाना पड़ता है कि भाई दे दो वो काम भी छोड़ जाए उसके लिए प्रयास चल रहा है अभ्यास चल रहा है अच्छा बताओ आहार पूरे हुए कि नहीं आज आपको लग रहा है हो गए लेकिन नहीं हुए है क्यों विकल्प कुछ नहीं था जंगा में जितना बल होता है उतनी देर खड़े हो पाते हैं आज समय से ज्यादा खड़े रहे लेकिन आहार पूर्ण नहीं हुआ क्यों बस केवल अनुभूति ले रहे थे ठीक है आज इतना ही भाग्य में है उतना ही मिलेगा हम एक सूत्र हमेशा कहते हैं समय से पहले संदेश भाई समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता इसलिए अपना भाग्य जगाना है तो अपने उपयोग को अपने उपयोग में लाना है हम उस मैं अपना प्रयोग विपरीत नहीं किए अपने आप को संभालने का हमने पृथक प्रयास किया और संभले भी कहीं गुस्सा करके सबको भगा देते तो हमारी इमेज क्या बनती देखो बात आ रही प्रशंसा की वापस से यदि हम आंख बंद करके आंख खोल करके ऐसे देखते और हम चलो ऐसा कर देते धीरे से तो क्या होता बाद में बाहर जाकर आप लोग ही कहते कि महाराज जी गुस्सा कर रहे थे तो हमारी प्रशंसा होती कि निंदा होती इसलिए हमने क्या किया कुछ नहीं मुस्करा कर धीरे से ठीक है तुम्हें डालना है डाल दो पेटी तो भरना है भर जाएगा कुआ है भर दो भर तो जाएगा किसी ना किसी भर ही जाएगा सोम भाई भरता कि नहीं भर जाता है आप विवेक खो सकते हो लेकिन दिगंबर मुनि अपना विवेक कभी नहीं खोते और खोते हैं तो वो दिगंबर मुनि नहीं होते इसलिए विवेक नहीं खोते ध्यान रखना प्रशंसा के पात्र बनना चाहते हो निरंतर क्या करो उन जीवों की प्रशंसा करो जो प्रशंसनीय हैं वास्तव में प्रशंसा इसलिए मत करना कि तुम्हें स्थान मिल जाए वहां पर कई बार क्या बोलते चापलूस लोग आते ना आते ना कि इनकी तारीफ कर दो तो इनकी जल्दी कमरे में स्थान मिल जाएगा ऐसे लोगों को हम समझते हैं बहुत अच्छे से सौगा जी आप नहीं हो उसमें चिंतन नहीं करो आपका स्थान अच्छा है विकल्प नहीं करना इसलिए विचार करना आप सब लोग अपनी अपनी प्रशंसा चाहते हो तो आज से एक ही काम करना है दिगंबर गुरुओं की कभी आपके मुख से निंदा ना निकले प्रशंसा ही निकले क्योंकि आपके अंदर वो गुण है ही नहीं आपके अंदर वो गुण है दिगंबर मुनियों के नहीं है तो गुणों की प्राप्ति करना है तो प्रशंसा करके ही प्राप्त होगा इसलिए निरंतर निरंतर एक ही काम करना है हमारे मुख से किसी गुरु की निंदा ना निकले तो निंदा का फल एक ही है जो करते हैं निंदा उनका नहीं रहता है पुण्य जिंदा ये सूत्र आज लेकर जाना कि जो करते हैं दिगंबर मुनियों की निंदा उनका नहीं रहता है पुण्य जिंदा इसलिए करो प्रशंसा तो मिलेगी प्रशंसा इसी भावना के साथ आप सभी प्रशंसनीय बने और प्रशंसनीय बन के एक दिन ऐसा पद प्राप्त करें जिससे पुनः वापस इस संसार में ना आना पड़े बोलिए भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवार विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की